आज सप्तम दिवस की कथा, उससे पहले हम अपनी जिप्या को पवित्र करते हैं हरि कीर्तन के साथ। मधुर मधुर तालियां बजाते हुए 5 मिनट हरि कीर्तन करते हैं। अरले माला रोपे हैं निस जाप के चरणों में, सब तीरथ
वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए भगवान तो स्वयं समझ गए थे कि प्रभु तो कभी चाहते ही नहीं थे कि ये महाभारत हो, कभी नहीं चाहते थे भगवान कि ये महाभारत हो या युद्ध हो या झगड़े हो, भगवान ने कभी नहीं चाहा। भगवान तो स्वयं गए हैं शांति दूत बनकर समझाने के लिए, दुर्योधन को बड़े नम्रता से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से समझाए। भगवान ने बड़े भाव से समझाया दुर्योधन को कि भैया युद्ध में कुछ भी नहीं रखा है, विनाश ही विनाश है। तो दुर्योधन ने तुरंत जवाब दिया कि आपको बताने की जरूरत नहीं गोविंद, ज्यादा धर्म के पाठ मुझे मत पढ़ाइए। हे केशव, ज्यादा ज्ञान की बातें मुझे मत बताइए, मैं खुद समझदार हूं, मैं खुद जानता हूं धर्म क्या है अधर्म क्या है। हे केशव, न्याय क्या है अन्याय क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, मैं सब कुछ जानता हूं। अच्छा क्या है बुरा क्या है मुझे न बताइए केशव, सब जानता हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं। स्वयं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण समझाने के लिए गए, लेकिन दुर्योधन की कोई बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि जिसके मन में छीनने की भावना होती है ना, बुरे विचार होते हैं ना, तो उसको आप कितनी भी ज्ञान की बातें सिखाओगे नहीं आएगी उसके दिमाग में। लोभ है उसके मन में, कोई और बात बैठ ही नहीं सकती, कितना भी समझाओ। भगवान की बात समझ में नहीं आई दुर्योधन के। उसने कहा कि प्रभु आप कहते हो कि मैं 5 गांव दे दूं। अरे केशव, बिना युद्ध के तुम्हें 5 गांव क्या, एक सुई की नोक के भाग के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, बिना युद्ध के नहीं दे सकता। और जाकर के पांडवों को यह संदेश दे दो केशव, यदि उनके अंदर बल है तो मुझसे युद्ध करें। कन्हैया समझा रहे दुर्योधन को, बिना लड़ाई के जमी और कोई कोने दिए गहाय, अब तुम पाछो सबर में और ये अरमानो मिटाए। बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के भाग के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, क्या रखा है छीनने में है? अरे यदि प्रेम से रहते तो पूरी धरती उन्हीं के लिए थी, पूरी धरती का राज्य उन भाइयों का था। इस द्वेष के कारण, इस छीनने की वृत्ति के कारण ही इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। यह गीता जी साक्षी है कि महाभारत का युद्ध कितना भयंकर विनाशकारी था, जहां आपस में भाई भाई ही लड़कर मर गए। भाई भाई आपस में लड़कर मर रहे हैं, मर गए, पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया। कौरव समस्त पक्ष समाप्त हुआ, और ऐसा नहीं था कि पांडवों की तरफ से भी सेना नहीं मरी होगी, सेना पांडवों की तरफ से भी मरी।
युद्ध की तैयारियां हुई, युद्ध की तैयारियां हुई तो दुर्योधन जानता है कि मुझे सहायता द्वारिकाधीश की लेनी पड़ेगी। मालूम है दुर्योधन को कि बिना मैं केशव के, बिना द्वारिकाधीश की सहायता के और मुझे सफलता नहीं मिलेगी। तो दुर्योधन भगवान के पास गए, कन्हैया के पास गए, मेरे गोविंद के पास गए और जाकर के भगवान के सिर की तरफ, सिरियाने बोले ना, सिरियाने, भगवान के सिरहाने बैठ गए। देखो कभी कभी जब बड़े विश्राम कर रहे हो ना या बैठे हो तो उनके सिर की तरफ, उन सराहने की तरफ नहीं बैठना चाहिए, यह शिष्टाचार है और सभ्यता होती है। पर यह तो अहंकार में भरा हुआ था दुर्योधन, बहुत बड़ा अहंकार लेके बैठा है, ये झुकने को कहां तैयार। इसके मन में तो घमंड था, बहुत बड़ा घमंड था इसके मन में, अहंकार था। सिर की तरफ जाकर बैठा, भगवान के सिर की तरफ जाकर बैठा। और देखिए उधर से अर्जुन भी आए कुछ मांगने के लिए भगवान से, और अर्जुन जैसे ही आए तो मेरे गोविंद के चरणों की तरफ बैठ गए। चरणों की तरफ बैठे, देखिए दोनों में अंतर है, याचक दोनों हैं, मांगने वाले दोनों हैं, लेकिन इन दोनों के भाव में बहुत अंतर है। एक सिर की तरफ बैठा है मेरे कन्हैया के और एक चरणों में बैठा है, पैरों की तरफ बैठा है। जो पैरों की तरफ बैठा है वो झुका हुआ नम्र है और एक अहंकार में चूर है। दुर्योधन जो सिर की तरफ बैठा है वो अहंकार में चूर है, मांगने पहुंचा है, लेकिन मांगने कैसे गया है, अहंकार को लेके, अहंकार को छोड़ के नहीं गया। जो ज्यादा अहंकार करता है ना वो ये नहीं समझे कि हम बहुत बड़े हैं, क्यों, क्योंकि अकड़ने से कोई बड़ा नहीं बनता। झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अरे अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे देखो अकड़ा करते हैं, मुर्दे अकड़ा करते हैं, मुर्दे को कितना भी मोड़ो मुड़ेगा ही नहीं, इसलिए जीते जी मुर्दे क्यों बनते हो, जीते जी झुका करो। अपने से कोई बड़ा अगर सामने पड़ता है तो उससे नमस्कार करो, प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो, झुकना चाहिए। झुकने से आपका बड़प्पन दिखता है, झुकता वही है जो बड़ा होता है। समुद्र को आपने कभी उफान मारते नहीं देखा होगा, क्यों, कि समुद्र की गहराई बहुत है, समुद्र की विशालता बहुत है, बहुत गहराई है, बहुत बड़ा है, और जो विशाल होता है उतना ही विनम्र होता है, सहनशील होता है। जो जितना बड़ा होता है उतना ही सहनशील होता है, विशाल होता है, नम्र होता है। देखिए अगर कभी आप पहाड़ पर चढ़े हों, चढ़ता हुआ व्यक्ति अपने आप को झुक जाता है कितना भी प्रयास करे, लेकिन चढ़ते समय व्यक्ति झुक जाता है, और जब वो उतरता है पहाड़ से नीचे की ओर तो वो अकड़ जाता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं मैं नीचे नहीं चला जाऊं, तो अकड़ के जो है एकदम टाइट अपने शरीर को कर लेता है।
इसीलिए जब कोई व्यक्ति झुका हुआ मिले तो समझना ये व्यक्ति ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। अर्जुन और दुर्योधन में यही अंतर है कि अर्जुन बुद्धि से चलता है और दुर्योधन ठाकुर जी के सानिध्य में बैठा है तो बुद्धि लेकर बैठा है, और अर्जुन चरणों की तरफ बैठा है तो भाव लेकर बैठा है, भाव से बैठा है। अर्जुन का भाव बड़ा विनम्र भाव है। हार जीत का तुलनात्मक तरीका लेकर बैठा है, यश और अपयश को छोड़ करके बैठा है, हानि और लाभ को छोड़ करके बैठा है अर्जुन। केवल कहीं जगह प्रभु के चरणों में बैठने को मिल जाए, वो कृपा कर दें, वो आशीर्वाद दे दें, पर उसी को सह लूंगा, वही मेरे लिए काफी है, केवल उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। वो बस इसी भाव से बैठा है कन्हैया के चरणों की तरफ। हम और आप भी इसी भाव से चिंतन करें, दो व्यक्ति हैं जो बैठे हैं तो दोनों ठाकुर जी के पास ही, लेकिन दोनों का भाव एक जैसा नहीं, एक जैसा भाव नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अहंकार में बैठा है और अर्जुन विनम्र भाव लेके बैठा है। मानो जब भगवान की आंखें खुली तो भगवान ने जैसे ही देखा तो अर्जुन पर नजर पड़ी। भगवान जब जैसे ही आंखें खोली भगवान ने, उस प्रभु ने, मेरे गोविंद ने देखा तो सामने अर्जुन को देखा बैठे हुए अपने चरणों की तरफ। और नजर प्रभु की पहले उसी पे पड़ती है जो प्रभु को हृदय से चाहते हैं, भाव से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। भगवान से जो हृदय से प्रेम करते हैं उन्हीं पे मेरे गोविंद की नजर पड़ती है। दुर्योधन पीछे रह गया। अर्जुन कैसे आए हो? प्रभु ने कहा, मेरे गोविंद बोले, कन्हैया बोले, हे अर्जुन कैसे आए हो, कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन कहता है, हे द्वारिकाधीश, पहले मैं आया हूं, अर्जुन नहीं, अर्जुन तो बाद में आया है। आप उससे पूछ रहे हो, मुझे नहीं। दुर्योधन ने कहा कन्हैया से, हे द्वारिकाधीश, अर्जुन तो मुझसे बाद में आया है, आप उससे पूछ रहे हो, मुझे क्यों नहीं पूछ रहे? और पीछे मुड़ के देखा ना, भगवान ने, मेरे कन्हैया ने देखा। भगवान कहते हैं, दुर्योधन मुझको दिखाई नहीं दिए, अहंकार लोग अहंकार में ही रह जाते हैं, अहंकारी लोग। जिस दिन घमंड तू अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। घमंड नहीं करना चाहिए। और एकदम से देखा ना भगवान ने, और जैसे ही देखा अर्जुन को मुस्कुरा गए श्री ठाकुर जी, श्री बांके बिहारी जी। दुर्योधन ने कहा, हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, मुझसे बात कीजिए, पहले मुझसे पूछिए कि मैं क्यों आया हूं। द्वारिकाधीश बोले, अच्छा तो बताओ दुर्योधन, कैसे आए हो, किस कारण आना हुआ तुम्हारा? दुर्योधन कहता है, मुझे आपकी सहायता चाहिए, सहायता। आपको पता है महाभारत युद्ध तो होना है और इस युद्ध में मुझे आपकी सहायता चाहिए। केशव बोले, मेरी सहायता? किस तरह की सहायता दुर्योधन?
भगवान कहते हैं, देखो दुर्योधन, एक तरफ तो मैं हूं और एक तरफ मेरी 11 छोईनी सेना है, और एक तरफ मैं हूं लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं नियत्ता हूं, मैं हथियार से विहीन हूं, मेरे पास हथियार नहीं आऊंगे, शस्त्र नहीं होंगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो बस यूं ही खड़ा रहूंगा। अब क्योंकि दुर्योधन तो बुद्धि को लेकर के बैठा है ना, इसने सोचा कि मैं इसका इनका करूंगा ही क्या, जब युद्ध ही नहीं करेंगे तो इन दोनों में से मैं किसी का ही चयन कर सकता हूं। एक तो सेना और एक कन्हैया। तो दुर्योधन ने कहा मुझे आपकी सेना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सेना दुर्योधन को दे दी। अब जब मेरे कन्हैया की तरफ नजर गई अर्जुन की, तो हाथ जोड़ के खड़े कन्हैया के आगे। कन्हैया बोले, हां अर्जुन, अब तुम बताइए तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन बोले, प्रभु यदि आपकी कृपा हो तो मैं भी कुछ कहूं। भगवान कहते हैं तुम भी मांगो, क्या मांगते हो, और भी मेरे पास सेना है, तुम चिंता ना करना, अगर तुमको भी सेना चाहिए तो मेरे पास अभी और सेना है, सेना ले लो। और मैं तो तुम्हें, जैसे पहले मैंने तुम्हें कहा था, युद्ध तो करूंगा नहीं, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो बस आप ही का दर्शन चाहिए, मुझे केवल आप ही चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए।